आई थिंक नेक्स्ट उसी तरह पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव नंबर में सिर्फ आपको क्या देखना है, उसके आगे प्लस का साइन है, वो भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर होगा वो भी पॉजिटिव नंबर उसे लिख सकते हैं, जैसे कि प्लस का 2/3 है, ठीक है। नेक्स्ट वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है, 0.15 से है, ठीक है। डेसिमल नंबर भी पॉजिटिव प्लस लिखा है ना लिखा तभी इसको हम क्या पॉजिटिव नंबर बोलेंगे। फिर प्लस का √3 है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, या फिर प्लस का 2 है या 7 है, ये सारे हमें पॉजिटिव नंबर में आएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इनमें से पॉजिटिव इंटीजर कौन है, तो पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ क्या आएंगे, प्लस का 2 एंड 7, ये हमारे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर में आएंगे, क्योंकि इंटीजर के लिए कंप्लीट नंबर होना चाहिए, वो रेशनल इरेशनल और डेसिमल नंबर ये सब नहीं होते। जैसे कि 2 कंप्लीट नंबर, 7 कंप्लीट नंबर, √3 ये कंप्लीट नंबर नहीं है, 0.15 ये कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये हमारे इंटीजर्स नहीं हो सकते। पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल होता है Z+ या फिर I+ कहीं लिखा मिल जाता है।